सल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लम तस्लीमा। एक बार सब अहबाब हुज़ूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल आलमीन। मैं नहायत ही मशकूर हूँ, मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मेज़बान महफिल जनाब बाबा मोहम्मद हुसैन साहब, दिलावर हुसैन साहब, बाबर हुसैन साहब, बिलाल हुसैन साहब और जनाब इज़्ज़त माब हाफिज़ मोहम्मद अवैस कादरी साहब, हाफिज़ मोहम्मद वक़ार फरीदी साहब और बहुत ही खूबसूरत नकीब जनाब मोहम्मद नासर हुसैन कादरी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा है। मैं सबको दिल की तागहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इन सब का शुक्रगुजार हूं कि इनकी वजह से आज की इस महफिल में, बाबरकत महफिल में हाजिरी देने का शरफ हासिल हुआ। और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर हम सब के लिए ज़रा निजात बनाए। आमीन। जितने भी अहबाब हैं सब हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना इस अकीदत से पेश करें कि हम पढ़ते हैं और हुजूर सुनते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मजीद वकार और तरक्की अता फरमाए। पज़ीराई है क्या बात है, मैंने हसनैन के सदके में ज़िया पाई है, मैंने हसनैन के सदके में ज़िया पाई है और दिया बात बन ही गई। मैंने ये बात कई बार आजमाई है, मैंने ये बात कई बार आजमाई है, हसरते नाज करे यूं मेरा अरमान निकले, लब पे हो सल्ले अलाओ और मेरी जान निकले। बाबा से बुलंद सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब।